गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पर रविवार की शाम धारदार हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश करने वाले आरोपी को दबोचने में अपनी जान की परवाह न करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम खुद गोरखपुर आ गए। उन्होंने हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी को दबोचने के दौरान घायल और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती PSC के दो जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से उनके पास जाकर मुलाकात की, उनके साहस और पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की, आश्वस्त किया कि उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। PSC के इन आरक्षियों और नागरिक पुलिस के आरक्षी अनुराग राजपूत के लिए 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा मुख्यमंत्री ने सोमवार को दोपहर में ही कर दी थी। रविवार देर शाम हुई घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने बड़ी वारदात को नाकाम करने में घायल हुए PSC के जवानों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया था। जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए घटना के 24 घंटे के भीतर खुद उनके पास आ गए। गोरखपुर पहुंचते ही CM योगी सीधे मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर में भर्ती जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से मिलने गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद तीसरे जवान नागरिक पुलिस के आरक्षी अनुराग राजपूत को भी साहसी कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने घायल जवानों से घटनाक्रम की जानकारी ली, उनका कुशल क्षेम जाना, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उनके शौर्य व साहस की जमकर तारीफ की। वहां मौजूद जवानों के परिजनों से भी CM योगी ने बातचीत की और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज में कोई कमी नहीं आने देगी। बस 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 अंदर नहीं, वहीं रहो।
भाई छोटे बैठ जाओ भैया, है ना, बैठ जाओ भैया भैया जी मनोज कुमार। मोहन जी दिया था जो दवाई वाई बारे में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दवा बारे में। हमारे बड़े छोटे भाई हैं, उस घटना के बारे में नहीं हमको नहीं मालूम है। आर एच सी गोपालगंज जनपद मऊ। कल सर हम लोग मेन गेट पे गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पे ड्यूटी में अलर्ट थे, संतरी ड्यूटी पे अलर्ट थे, जिसपे एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक सा हमलावर एक वो बाकी था जिसे कच्चा नारियल काटकर बेचने वाला जो हथियार होता है धारदार हथियार से वार कर दिया और वार करके अंदर की तरफ गेट के अंदर की तरफ प्रवेश करने की कोशिश की, जिसमें हम दोनों भाइयों ने डट के मुकाबला किया और जब तक रही जान तब तक हम लोग यही डटे रहे कि कुछ भी हो इसको अंदर न जाने दिया जाए, अंदर अगर जाएगा तो जो आम पब्लिक है, जो हमारे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा घातक पहुँचा सकता है। इसलिए हम दोनों भाइयों ने, दोनों जवानों ने वहीं पर उसे डट के मुकाबला किया और हम लोगों के बीच, हम दोनों जवानों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हुई, जिससे वो हम लोगों को धारदार हथियार से वार करके मेरे पीठ पे वार किया और पीठ पे वार करने के बाद वो कुछ अल्लाह हु जैसे कुछ वर्ड बोलते हुए अंदर की तरफ प्रवेश किया, जिसे हमारे सिविल पुलिस के सिपाही मेन गेट पे थे तो बड़े वाले गेट को लॉक किया और लॉक करने के बाद फिर हम लोग पीएसी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही चारों तरफ से घिर कर ईंट पत्थर का प्रयोग किया, जिससे एक ईंट उसके सर पे नीचे गर्दन पे लगी और वो वहीं मूर्छित होकर के नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद हम लोगों ने उसको संपूर्ण रूप से धर दबोचा और धर दबोच करके अपने बड़े अधिकारियों को सुपुर्द किया। मुख्यमंत्री जी, बाबा जी हम लोगों को बधाई दिए हैं और बताए हैं कि तुम लोग बधाई के पात्र हो और प्रशंसा किए हैं, बेटा तुम लोगों को कुछ नहीं होगा और हम लोगों से मिले हैं ये हम लोगों के लिए सराहनीय है और हिम्मत है जी।